मान लो आपको एक मोबाइल फोन खरीदना है, ओके। तो मोबाइल फोन खरीदने के लिए जैसे आपने कुछ सोच लिया कि ठीक है मुझे आईफोन खरीदना है, या फिर मुझे मोटोरोला का फोन खरीदना है, या मुझे नोकिया का फोन खरीदना है, या सैमसंग खरीदना है, दैट इज योर प्रोडक्ट चॉइस, ठीक है। तो प्रोडक्ट चॉइस के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि कंज्यूमर रिटेल स्टोर की चॉइस कैसे करता है कि हमको कौन से दुकान में जाना है। जैसे आपको अगर फोन खरीदना है, वो आपको अगर मान लीजिए ऑनलाइन में अगर हम बात करते हैं, तो ऑनलाइन में भी आप कहाँ जा सकते हैं, आप अमेजोन पे भी खरीद सकते हैं, आप फ्लिपकार्ट पे भी खरीद सकते हैं, आप डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जाके खरीद सकते हैं, जो कि जनरली लोग नहीं खरीदते, वेबसाइट पे नहीं जाते। लेकिन हम फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे दो बहुत पॉपुलर प्लेसेस है जहां पर मोबाइल फोन्स खरीद बिक्री की जाती है, पेटीएम मॉल पे भी जाके खरीदते हैं। तो ये जो हमने पेटीएम मॉल, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन तीनों के बीच में जो डिसाइड किया कि हम इसमें क्यों जाएंगे, या फ्लिपकार्ट में क्यों जाएंगे, या फिर हम अमेजोन से क्यों खरीदेंगे, ये जो हमारा डिसीजन मेकिंग होता है, ये डिसीजन मेकिंग एक बहुत कॉग्निटिव प्रोसेस है। हमने कुछ सोचा होगा, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इफेक्ट करती हैं उस वक्त, बहुत सारी चीजें हैं जो ये डिसीजन मेकिंग में चलती रहती हैं साथ साथ। कैसे हुआ? तो अगर आप पूरे प्रोसेस को अगर आप लिखते हैं कि कैसे बंदा डिसाइड करता है कि मुझे कौन से रिटेल स्टोर में जाना है, जो डीलर चॉइस होता है या जो रिटेलर चॉइस होता है, वो कंज्यूमर इन रिटेलिंग, जब ये टॉपिक अगर आता है कंज्यूमर इन रिटेलिंग, तो वहां पे बेसिकली हम इसी बात को मेंशन करते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर एक रिटेल स्टोर में कैसा होता है, उस पर्टिकुलर रिटेल स्टोर में जाने से पहले उसके दिमाग में क्या क्या ख्याल आता है, और अगर वो दुकान में जा रहा है उसके बाद हाउ द पर्सन चूजेस दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मुझे मान लीजिए फ्लिपकार्ट पे ही जाना है, तो फ्लिपकार्ट में भी जाकर के हम कैसे प्रोडक्ट को चूज करते हैं, कैसे उसको इवेलुएट करते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड, ये पूरी चीज, ये जो पूरा संदर्भ जिसको हम कहते हैं, ये पूरे संदर्भ को, ये पूरे प्रोसेस को, ये पूरे फेनोमेनन को हम कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर बिहेवियर इन रिटेलिंग कहते हैं, या फिर कंज्यूमर्स इन रिटेल सेटअप कहा जा सकता है। तो जब भी आपको कंज्यूमर और रिटेल स्टोर दोनों के बीच की मतलब इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आता है एग्जाम में, तो यू विल राइट द सेम थिंग, ये यही चीज हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम उसमें बात करते हैं, व्हाट इज अ कंज्यूमर, हाउ व्हाट इज अ लाइक व्हाट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय अ कंज्यूमर व्हाइल टेकिंग एनी डिसीजन ऑफ बाइंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और उसमें कि वो कैसे एक रिटेल स्टोर को चूज करता है, रिटेल स्टोर, स्पेसिफिकली रिटेल स्टोर। मुझे मैगी खरीदना है, जैसे आपको पहले एग्जाम्पल दे रही थी मैं, कि अगर मेरी मम्मी ने मुझे दे दिया, आपके मम्मी ने आपको पैसे दे दिए 20 रुपए की, जाइए आप मैगी खरीद के ले आइए, तो मैगी अगर आप नीचे, आप अपनी दुकान, अपने घर से नीचे उतरी और वहां पे तीन चार दुकान है, तो तीन चार दुकानों में से आप पर्टिकुलरली कौन से दुकान में जाती है, इसके पीछे जो आपका थॉट प्रोसेस है उसको हम कंज्यूमर इन रिटेलिंग कहते हैं। या फिर जैसे आप पुचका खरीदने के लिए गई हैं, पुचका खाने के लिए गई, ठीक है, तो पुचका खाने के लिए गई हैं, तो वहां पे बहुत सारे अगर पुचका वाले अपना पुचका का स्टॉल, ठेला लगा के रखे हैं, तो उन कौन से ठेले में आप गई, वो भी ऐसे तो नहीं चली गई होंगी ना, कुछ तो सोची होंगी, तो ये जो कुछ सोची होंगी या कुछ सोच करके जब हम जाते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कहते हैं, बाइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए, इसको स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए आई जस्ट शेयर अ स्क्रीन विथ यू, सो जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, आई विल शेयर द स्क्रीन, और ये रहा, ये दिख रहा है आप लोगों को, यस मैम, ये कंज्यूमर एंड रिटेल सेटअप दिख रहा है सबको, आंचल क्लास ज्वाइन करो, क्लास ज्वाइन करो आंचल, क्लास ज्वाइन करो, क्लास हाँ, कंज्यूमर एंड रिटेल सेटअप। तो इसमें क्या क्या चीजें, या कंज्यूमर बिहेवियर में क्या क्या चीजें होती, उसको थोड़ा डिटेल से हम लोग देखते हैं। तो पहले भी कंज्यूमर बिहेवियर हम लोग पढ़ चुके हैं, जब भी आप मार्केटिंग पढ़ते हैं वहां पे भी एक बार कंज्यूमर बिहेवियर आपने पढ़ा होगा, उससे पहले आपने एडवर्टीजमेंट पढ़ा है, एडवर्टीजमेंट में भी कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा है। तो व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, ये भी जानना जरूरी है। तो क्यों हमको कंज्यूमर के बारे में जानना है, क्योंकि रिटेलर, अगर आपको याद हो कल लास्ट क्लास जो हमने पढ़ा था, कि रिटेलर का जो इंटरेक्शन होता है वो सप्लायर से तो होता ही होता है, लेकिन अल्टीमेट उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो होता है एंड कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना, एंड कंज्यूमर के नीड्स को फुलफिल करना।
तो रिटेलर ही वो ऐसा बंदा है जो डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ इंटरेक्ट करता है, तो इसलिए उसके लिए तो कंज्यूमर बिहेवियर जानना समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वी नीड टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर टू बी अवेयर ऑफ द नीड एज वेल एज द परचेज मोटिव्स ऑफ द इंडिविजुअल। जो भी बंदा हमारे दुकान में आ रहा है उसकी क्या जरूरतें हैं, वो मतलब परचेज मोटिव्स, परचेज उसको पहले परचेज मोटिव्स का क्या मतलब हुआ कि व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड बाइंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक गारमेंट स्टोर है, गारमेंट स्टोर में बहुत तरह के कपड़े मिल सकते हैं, लेकिन उस बंदे को किस पर्पस के लिए वो ड्रेस खरीदना है या किस पर्पस के लिए वो पर्टिकुलर किस कौन से इवेंट के लिए वो बंदा खरीद रहा है, उसके अकॉर्डिंगली दुकानदार सामान दिखाता है, उसके अकॉर्डिंगली गारमेंट देता है। अगर किसी को बर्थडे पार्टी में जाना है तो ऑब्वियसली वहां पे लहंगा या लाचा नहीं दिखाने लगेगा वो, ठीक है। और अगर किसी को शादी में जाना है तो ही विल नॉट शेयर हॉट द पिक्चर, लाइक वो आकर के आपको हॉट पैंट्स नहीं बेचने आ जाएगा। तो गारमेंट स्टोर को भी ये देखना बहुत जरूरी है। मैंने एग्जाम्पल में गारमेंट स्टोर लिया है कि आपको अपने कस्टमर के नीड, उसके परचेज मोटिव्स को समझना जरूरी है। जानेंगे तभी आप उसको सर्व कर सकते हैं। उसके बाद ये भी समझना जरूरी है हाउ डेमोग्राफिक चेंज मे अफेक्ट रिटेल परचेजिंग। डेमोग्राफिक इफेक्ट, डेमोग्राफिक चेंज मतलब उसके पॉपुलेशन मिक्स में चेंजेस आ रहा है, एजेस में चेंज आ रहा है, या फिर इनकम पैटर्न में चेंज आ रहा है, एजुकेशन में चेंज आ रहा है, इन सब के हिसाब से भी लोगों का जो क्या होता है ना बाइंग पैटर्न होता है वो बदल जाता है। जैसे आपको पहले भी बताया था मैंने कि एक कोई घर में रहने वाले हाउस वाइफ अगर रहती हैं, दोनों दोनों और एक फीमेल है जो कि किसी ऑफिस में जॉब करती है, बोथ हैव सुपर रिच, बोथ हैव मनी, ठीक है। और वो आराम से ज्वेलरी खरीद सकती हैं, 20-25-30 हज़ार 50 हज़ार का आराम से ज्वेलरी खरीद सकती हैं। अ हाउस वाइफ विल यूजुअली यूजुअली वो क्या खरीदेंगी, वो हो सकता है कि गोल्ड का कुछ कोई बड़ा सा ज्वेलरी खरीदेंगी जो ज्यादा बड़ा दिखे, और मे बी जो ऑफिस गोइंग होंगी वो डायमंड खरीदेगी छोटा टाइनी, और मे बी उसमें ज्यादा वैरायटी खरीद ले। तो डेमोग्राफिक चेंजेस मे अफेक्ट रिटेल परचेज। डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ वेरियस प्रमोशनल फैक्टर्स, जो कि आपने पहले से जो प्रमोशनल एक्टिविटी की थी, आपने जो भी एडवर्टीजमेंट चलाया, आप जो एक के साथ एक फ्री दे रहे थे, या फिर आप जब चाय पत्ती के साथ रेनॉल्ड्स पेन फ्री दे रहे थे, तो कितने लोग रेनॉल्ड्स पेन खरीदने आए, या कितने लोगों चाय पत्ती खरीदने आए, या फिर हॉर्लिक्स के साथ जब हम उसका कप या फिर मैगी के साथ उसका बाउल फ्री दे रहे हैं, तो क्या उस समय सेल्स इंक्रीज हुआ, या फिर नॉर्मली सिर्फ। ऐसा भी एक बार ताजमहल के साथ एक केस है कि ताजमहल टी ने एक बहुत ही सुंदर सा वो ग्लास जार देता था अपने बायर्स को, जो भी 500 ग्राम से ज्यादा के परचेज करते थे तो उसमें वो ग्लास मिलता था। तो उस समय पर्टिकुलर उस पीरियड में काफी ज्यादा ब्रूकबॉर्न का भी सेल बढ़ जाता था, बढ़ गया था उस समय। लेकिन दैट ग्लास जार वॉज एक्सपेंसिव वन, तो फिर उस प्रमोशनल एक्टिविटी को थोड़ा ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन इट वॉज अ वेरी गुड प्रमोशनल एक्टिविटी। और बहुत बार फ्री में मिलने वाली चीज, ह्यूमन एक ऐसा एनिमल है जिसको फ्री में मिलने वाली चीजें बहुत पसंद आती है। तो क्या क्या फ्री में मिलने वाली चीजों से, या जो भी आप डिस्काउंट या इंसेंटिव्स दे रहे थे पर अपने कंज्यूमर्स को, उसका क्या इफेक्ट हुआ, दैट हैज टू बी सीन। फिर कम्प्लेक्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग डिसीजन, किसी भी सामान को खरीदने के पीछे लोग कितना दिमाग लगाते हैं, व्हाट इज द कम्प्लेक्सिटी एंड प्रोसेस ऑफ बाइंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। जैसे किसी को अगर कार खरीदनी है, कार अगर जब हम खरीद रहे हैं, मे बी ये हो सकता है कि लाइफ टाइम परचेज हो, किसी के लिए लाइफ में पहली और शायद आखिरी बार हो सकता है, किसी के लिए मे बी उसकी पहली गाड़ी हो सकती है, किसी के लिए वो उसकी सेकंड कार हो सकती है, किसी के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि यू आपके पास जितने हिसाब से कपड़े हैं उसके हिसाब से आपके पास कार्स हैं, वैसा नहीं होता, किसी के पास भी नहीं होता। तो थोड़ा कोई भी हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट जब होता है तो वहां पे जो कंज्यूमर है, जो उसको खरीदने वाला है, जो परचेजर है, उसका इन्वॉल्वमेंट ऑब्वियसली, जब भी कोई रिस्क टेकिंग हाई वैल्यू प्रोडक्ट होता है वहां पे इन्वॉल्वमेंट थोड़ा हाई होता है। और जहां पे भी लो वॉल्यूम प्रोडक्ट या फिर लो वैल्यूएशन वाली प्रोडक्ट होगी, ऑब्वियसली वहां पे जो बाइंग प्रोसेस है वो कम कॉम्प्लेक्स होगा या फिर बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमें अभी, अगर हमारे पास ऑप्शंस होते कि हमको कौन सी वैक्सीन लेनी है, कोविशील्ड लेना है, स्पुतनिक लेना है, कोवैक्सीन लेना है, या जो भी XYZ जॉनसन्स का लेना है, अगर हमारे पास ऑप्शन होते तो शायद हमारे लिए ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता, तो चूज विच वैक्सीन वन शुड टेक।
मुझे कौन सा लेना है नहीं लेना, ये चूज करना बहुत मुश्किल होता। लेकिन अगर मैंने यही चीज क्या किया, अब क्या है, जस्ट बिकॉज आई वी डोंट हैव ऑप्शन, जो वहां पे मिल रहा है वैक्सीन सेंटर में मुझे वही लेना है, तो आई विल गो एंड टेक अ कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो कम्प्लेक्सिटी ऑफ द परचेज डिसीजन कितना ज्यादा है, लोग कितना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं किसी परचेज डिसीजन में, ये देखना होगा। परसेप्शन ऑफ रिस्क फॉर रिटेल परचेजर्स, क्या परसेप्शन ऑफ रिस्क है, मतलब लोग जो खरीद रहे हैं वो कितना रिस्क लेकर के उस सामान को खरीदते हैं। जैसे डेली हैबिट्स की चीज है जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, जैसे कि सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, उसमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। लेकिन दूध कोई खरीद रहा है, कोई ब्रेड खरीद रहा है, तो वो एक बहुत ही लो वैल्यू का प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी खरीदने से पहले दुकानदार से जरूर पूछ लेते हैं, रिटेलर से पूछ लेते हैं, भैया ताजा है ना, भैया आज का है ना, क्यों? क्योंकि वहां पे रिस्क इन्वॉल्व है, वो खराब भी हो सकता है। तो परसेप्शन ऑफ रिस्क, इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। उसी तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं जिसके साथ, हर एक के साथ एसोसिएटेड रिस्क होता है। तो कंज्यूमर कितना ज्यादा रिस्क एसोसिएट करता है प्रोडक्ट के साथ, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। उसके बाद आती है चीज, डिफरेंट मार्केट सेगमेंट बेस्ड अपॉन परचेज बिहेवियर। परचेज बिहेवियर के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट मार्केट सेगमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताया था, जैसे कि गारमेंट स्टोर ही आप ले लीजिए, तो डिफरेंट किड्स का सेक्शन अलग हो सकता है, किड्स का जो सेक्शन होता है वहां पे जो किड्स के कपड़े खरीदते हैं उनका परचेज बिहेवियर बहुत अलग होगा, इन कंपेरिजन टू समवन बाइंग डेली वेयर और समवन बाइंग शर्ट फॉर ऑफिस। तो उस समय जो परचेज बिहेवियर होगा वो बिल्कुल अलग होगा। तो सेगमेंट वाइज परचेज बिहेवियर अलग अलग हो सकता है लोगों का, ये भी समझना जरूरी है। एंड हाउ रिटेल मैनेजर्स में इम्प्रूव देयर चांसेस ऑफ बिजनेस सक्सेस, ये सब समझने के बाद कैसे हम कितनी ज्यादा अच्छे से अपने कंज्यूमर को समझे कि हमारे बिजनेस का चांसेस बढ़ जाए। व्हाट इज रिक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ रिटेल एक्सपीरियंस, क्या क्या चीजें एक कंज्यूमर को एक रिटेल एक्सपीरियंस में चाहिए होती है, मतलब कोई बंदा अगर किसी स्टोर में आया तो उसको किस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए, एंड हाउ अ कस्टमर विल रिएक्ट टू दैट एक्सपीरियंस प्रोसेस बेस्ड अपॉन ऑल द रिटेल मार्केटिंग अप्रोचेस यूटिलाइज्ड। जितना भी बंदे ने रिटेलर ने इनिशिएटिव लिया है, तो वो इनिशिएटिव्स का कितना इफेक्ट हो रहा है, कितना उसको खरीदार, उसको खरीदने वाले लोग कितना ज्यादा पसंद कर रहे हैं उस एक्सपीरियंस को, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। तो इसलिए कंज्यूमर को समझना मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जस्ट बिकॉज रिटेलर का क्या होता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है कंज्यूमर के साथ, तो उसके लिए तो कंज्यूमर को समझना और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दिस इज नीड ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। फिर अगर हम परचेज प्रोसेस की बात करें, क्या परचेज प्रोसेस होता है, तो परचेज प्रोसेस होता है यहाँ पे देखिए, एक कोई बंदा या कोई ग्रुप जो परचेज करने जा रहा है, कोई सामान खरीदने जा रहा है, मान लीजिए आप पर्सन की जगह पे हम आपको ले लेते हैं जो कि मैगी खरीदने जा रहे हो, या फिर आप एक लहंगा खरीदने जा रहे हो यहाँ पे हो गए, या फिर एक लैपटॉप खरीदने जा रहे हो, तो पर्सन की जगह पर हो गए आप जो लहंगा खरीदने जा रहे हैं, और ग्रुप की जगह पे एक ऐसा ग्रुप हो सकता है जो अपनी लाइब्रेरी के लिए लैब इक्विपमेंट खरीदने, लाइब्रेरी बोल रही हूँ, लैब के लिए लैब इक्विपमेंट्स खरीदने जा रहे हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप और केमिकल्स और जो भी चीजें लैब में जरूरत होती है। तो दो तरह के लोगों को हम एक साथ, एक ग्रुप को और एक पर्सन को एसोसिएट करते हैं इस पूरे मॉडल में, देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। तो पर्सन के ऊपर किन किन चीजों का, पर्सन या ग्रुप के ऊपर क्या क्या चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं, तो पहला तो होता है कि रिटेल सर्विस। आपको अगर याद हो, आपने एक्सपीरियंस किया हो, तो हम कितनी महंगी से महंगे सामान खरीदते हैं, हमें वो दुकान तब तक याद नहीं रहती जब तक हम वहां पे बैठ के चाय नहीं पीते। मतलब अगर हमने मान लीजिए 20,000 की शॉपिंग करी है, लेकिन हमें अपना बिल याद नहीं रहेगा कभी भी कि हमने कितनी महंगी शॉपिंग करी या कितने महंगे सामान खरीदे हैं, ये हमें याद नहीं रहता, लेकिन दुकानदार ने चाय पिलाया था ये जरूर याद रहता है। याद रहता है नहीं रहता है? या कोल्ड ड्रिंक दिया था, अब जैसे कहीं बोले बाबू बैठ जाओ, चलो बच्चे को थोड़ा कॉफी दे दो, बच्चे को थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, याद रहता है आप लोग को ये सब एक्सपीरियंस? एम आई टॉकिंग, एम आई ऑडिबल? यस मैम, यस मैम। हाँ तो प्लीज रिस्पॉन्ड। रिटेल सर्विसेज याद रहते हैं या नहीं याद रहते? चाय पिलाना, कॉफी पिलाना, ये एक्सपीरियंस कभी हुआ ही नहीं, कभी कोई चाय पिलाया ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है? हुआ है मैम। यस मैम हुआ हुआ है। तो क्या आप उस दुकानदार को याद रखती हैं या भूल जाती हैं? अभी भी याद है मैम।
अभी भी याद है, वेरी गुड। तो ऐसा ही होता है और ऐसा ही ह्यूमन है। उसको रिटेलर जो भी सर्विसेज देता है, सर्विसेज इन द सेंस कि आप किसी स्टोर में एंटर करें, आपकी अच्छी सी आवभगत कर रहा है, ठीक है, आपने जो भी प्रोडक्ट्स मांगे उसको बहुत अच्छे से ला करके अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है आपको, आपको उसके बाद का जो पोस्ट परचेज सर्विसेज है वो भी दे रहा है कि ठीक है आप ले जाइए, कोई दिक्कत होगा हम आपके घर पहुंचा देंगे, फिर कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें वापस दे सकते हैं, हम लोग उसको ठीक कर देंगे। तो वैसे रिटेलर के पास वापस से रीपर्चेज करने का चांसेस ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दैट रिटेलर जो कि आप जिसके पास गए और सिंपल गए, सामान खरीदे और चले आए, यू डोंट एक्सपीरियंस एनीथिंग गुड एट दैट पर्टिकुलर स्टोर। तो रिटेल सर्विसेस बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं परचेज के ऊपर। किसी भी तरह का परचेज करते हैं ना, वो रिटेल का एक्सपीरियंस बहुत याद रखता है, रखते हैं लोग। उसके बाद जो सेकेंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो होता है मर्चेंडाइज ऑफर, मतलब उसके पास कितनी मर्चेंडाइज है, कितना वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। हमारे पास दो स्टोर है, मान लीजिए एक स्टोर है जिसमें कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्लोथ्स हैं या गारमेंट्स हैं या फिर लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैपटॉप, मान लीजिए सिर्फ हम उसके पास सिर्फ डेल का ही लैपटॉप अवेलेबल है, और एक दूसरा स्टोर है जैसे कि आप रिलायंस डिजिटल आपको लैपटॉप खरीदना है, तो एक स्टोर है जिसमें आसूस का है और आपके डेल का दो लैपटॉप का सीरीज है, उसमें भी सारा मॉडल अवेलेबल नहीं, बस दो ऐसे रखा हुआ है। आप वहां जाना पसंद करेंगे रिलायंस डिजिटल जहाँ पे 6-7 कंपनी के लैपटॉप रखे हुए हैं और पूरे लंबी लंबी मतलब गैलरी बनी हुई है, आपको जो भी लैपटॉप चूज करना है आप जाइए देखिए एक्सपीरियंस कीजिए। आप कहाँ जाना ज्यादा पसंद करते हैं या आप कहाँ जाना पसंद करेंगी बोलो। अरे म्यूट करके कहाँ चली जाती हो? नहीं है मैम। हेलो। हाँ तो मेरी मेरा सवाल सुनाई दिया आपको? मैम एक बार फिर से बोलिए ना। हाँ तो मैंने बोला कि अगर आपको लैपटॉप खरीदना है, ठीक है, अब आपके पास दो दुकानें हैं, दुकान नंबर एक जिसमें सिर्फ डेल का और आसूस का बस यही दो लैपटॉप है और उसका भी 4-5 वैरायटी ही अवेलेबल है उसके पास, मतलब टोटल मिला के 10-12 लैपटॉप है उस दुकान में, और एक दूसरा स्टोर है रिलायंस डिजिटल जिसमें से जहां पे आपको हर एक कंपनी की जिसके बारे में आप सोच सकते हैं उन सब का लैपटॉप अवेलेबल है और सबका 5-10 के करीब लैपटॉप अवेलेबल है, और आप जा करके हर एक लैपटॉप को छू सकती हैं, देख सकती हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकती हैं। तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगी अगर आपको लैपटॉप खरीदना है तो? मैम रिलायंस रिलायंस डिजिटल और में। रिलायंस रिलायंस डिजिटल में डिजिटल मैम क्यों? क्योंकि वहां पे मर्चेंडाइज ऑफर जो है उसका जो असॉर्टमेंट है वो काफी बड़ा है, काफी वाइड है। तो रिटेल सर्विस, उसके बाद आता है मर्चेंडाइज ऑफर जो पर्सन के बाइंग बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट करता है, और तीसरी चीज होती है मार्केटिंग स्टिमुली एंड वर्ड ऑफ माउथ। मार्केटिंग स्टिमुली मतलब अगर हमने उस रिटेल स्टोर का कितना ऐड दिया है, देखा है, कितना ज्यादा हम उसके बारे में जानते हैं। आपको अगर रांची में अगर हम बोलेंगे कि किसी कंप्यूटर स्टोर का नाम बताइए तो मे बी आपके दिमाग में सिर्फ तेज कंप्यूटर आ सकता है, और कुछ आपको ऐसे बोलने से क्या याद आता है, रोशपा टावर, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर आपको दुकान याद नहीं होगा। है किसी को दुकान याद कि कहाँ पे मिलेगा मुझे लैपटॉप? नो मैम, फ्लोर याद रहता है। फ्लोर याद रहता है, वहां का एम्बियंस याद रहता है, यू डू नॉट रिमेम्बर द स्टोर नेम, इट इज ओनली बिकॉज दे हैव नॉट स्पेंट एनीथिंग ऑन देयर मार्केटिंग एक्टिविटी। यहाँ पे बस एक तेज कंप्यूटर है जिसका आपने कुछ एडवर्टीजमेंट देखा होगा, लेकिन रिलायंस डिजिटल के बारे में सब कोई जानता है। तो मार्केटिंग एक्टिविटी मतलब प्रमोशनल एक्टिविटी उस स्टोर की कितनी है, और अगर आपके दोस्त ने रिकमेंड किया है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, अगर आपके दोस्त ने, आपके जानने वाले ने, आपके जान पहचान वालों ने अगर किसी जगह को रेकमेंड किया है तो आप बहुत बार उसी स्टोर में जाते हैं, जाते या नहीं जाते? यस मैम। तो यस ये मैम। तीन चीजें हैं जो परचेज प्रोसेस में एक पर्सन को या ग्रुप को इफेक्ट करती है, प्लस उसका खुद का कैरेक्टरिस्टिक्स जो यहाँ पे लिखा है, बायर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। बायर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? अब हम बहुत मोटे हैं, जैसे मेरा कोई मेरा एग्जाम्पल लीजिए, हम बहुत मोटे हैं और हम सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते तो हम हमेशा अवॉइड करते हैं कि हम रोशपा टावर ना जाएं, क्योंकि वहां पे 4th फ्लोर तक लिफ्ट नहीं जाता है, और
हमको सीढ़ी से जाना होगा, तो सीढ़ी से जाना होगा इसलिए हम नहीं जाना चाहते वहां पर। या फिर हो सकता है कि एक स्टोर है जहां पे कंप्यूटर हमको सस्ता में मिल जाएगा, लेकिन आसपास का जगह काफी शैबी है, बहुत गंदगी है उधर, तो हम फिर भी हम वहां पे भी नहीं जाना चाहते। तो बायर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, वो चीजों को कैसे इवैल्यूएट करता है, उसके ऊपर भी काफी चीजें डिपेंड करती है। तो उसका जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है उसमें भी उसका खुद का मतलब इंटरनल स्टिमुली जिसको हम कहते हैं, इंटरनल स्टिमुली में उसकी पर्सनालिटी, उसका एटीट्यूड, उसका परसेप्शन, उसकी लर्निंग, ये सारी चीजें आती हैं। ये सब के को ध्यान में रख करके ही कोई भी किसी भी तरह का परचेज करता है। तो परचेज डिसीजन ये सारे फैक्टर्स से इफेक्ट करते हैं। और जब ये सारे फैक्टर्स अपना इफेक्ट दे जाते हैं, अपना जादू चला दिए होते हैं, तब वहां पर डिसीजन आता है कि हमको कोई सामान खरीदना है या नहीं खरीदना है, दैट इज प्रोडक्ट परचेस्ड और नॉट परचेस्ड। ठीक है, अगर सामान खरीदना है तो वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदेगा, ब्रांड कौन सा खरीदेगा, क्या टाइमिंग होगी, क्या कॉस्ट होगा, क्या ऑल्टरनेटिव होगा, ये सब भी बायर खरीदने से पहले ये सारी चीजें भी, इसके ऊपर भी उसका ध्यान जाता है। मुझे गाड़ी खरीदनी है, फिक्स हो गया। मुझे मान लो किया का सेल्टॉस खरीदना एकदम फिक्स है, लेकिन आई विल बाय इट ऑन धनतेरस। तो अब प्रोडक्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ब्रांड में कोई कंफ्यूजन नहीं है, टाइमिंग भी फिक्स हो गई मेरी, और मुझे कल ही खरीदना है। तो टाइमिंग ऑफ परचेज, ये सारा डिसीजन भी एज अ बायर हम ही लेंगे। तो दिस इज द मॉडल ऑफ परचेज प्रोसेस, कंज्यूमर बिहेवियर का मॉडल है। बस इसको थोड़ा रिटेल सेटअप में ये कैसा दिखता है, ये इसके लिए थोड़ा इसका मॉडल में हमने चेंज किया है। तो जब रिटेल बायर जो होता है, जो सामान खरीदने आता है, उसके 5 तरह के रोल हो सकते हैं। मतलब बाइंग रोल्स क्या क्या हो सकते हैं, बाइंग रोल्स 5 तरह के हो सकते हैं, बायर रोल्स हो सकते हैं। पहला तो होता है इनिशिएटर। आप ऐसे बंदे हो सकते हैं जो सजेस्ट, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, सबके ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, तो आप अपने घर में मोबाइल फोन से अपना क्लासेस करते हैं। तो मोबाइल फोन से जो क्लासेस कर रहे होते हैं, तो बहुत बार होता है कि छोटा स्क्रीन है, आईज के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, दिखाई नहीं देता ठीक से, छोटे छोटे को बहुत जूम करके देखना पड़ता है। तो उसमें आपके बड़ी बहन या बड़े भाई ने कहा या फिर मम्मी ने ही कहा कि लैपटॉप खरीद लेते हैं, द फर्स्ट पर्सन हु इनिशिएट कि मुझे ये सामान खरीदना है, मतलब दिमाग में बीज बोने वाला बंदा, इनिशिएटर। उसके बाद जो दूसरा बंदा, जो घर में एक बंदा जरूर होता है जो बहुत ज्ञानी होता है, कोई भी प्रोडक्ट बोलिएगा तो उसके उसका पूरा ज्ञान उसके पास होता है। अगर आप मान लीजिए हम मोबाइल फोन्स की या लैपटॉप के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मे बी आपका जो भाई होगा, मे बी आपसे वो छोटा ही है, लेकिन उसको पूरा ज्ञान है, इतना रैम होगा, इतना जीबी ले लो ये डेल का है, इसमें ये ऐसा है, तो तुमको एचपी का लेना चाहिए, तो मैकबुक ले लो। ही विल हैव ऑल आइडियाज, पूरा ज्ञान, पूरा जितना लैपटॉप का ज्ञान बनाने वाले को नहीं होगा, उससे ज्यादा उसको ज्ञान होगा। तो ऐसा बंदा जो आपके परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे बाय गिविंग यू व्यूज एंड एडवाइसेस, उसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर। सोशल मीडिया में भी इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स का काफी इस्तेमाल होता है, और आप नाइका या फिर मिंत्रा के वेबसाइट पे आप देख सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं और उनका क्या इफेक्ट होता है। उसके बाद आता है डिसाइडर। ये जब इनिशिएट कर दिया, मम्मी ने बोल दिया कि ये लैपटॉप ले लो, भाई ने 5 मॉडल बना दिए, बता दिए, डिसाइडर कौन डिसाइड करेगा, हु विल टेक द डिसीजन। मे बी आप हो सकते हैं जो डिसीजन ले, मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके फादर हैं उस वो डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि बजट पैसा तो उन्हीं को देना है, तो मे बी वो डिसाइड कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल हु टेक द डिसीजन बाइंग प्रोसेस एज टू व्हाट, क्या खरीदना है, हाउ, कैसे खरीदना है, मतलब ऑनलाइन खरीदेंगे, स्टोर विजिट करके जाके खरीदेंगे, व्हेन, कब खरीदेंगे एंड वेयर, कहाँ, ये जो स्टोर चॉइस, ये जो चीजें जो डिसाइड करता है उसको हम कहते हैं डिसाइडर। एंड बायर जो एक्चुअली में जाके जो पैसा देता है ना, जो हो सकता है कि आपके पापा ने उसको डिसाइड कर दिया कि ठीक है तो हमने चूज कर लिया, भाई देख लिया कि तुम जाओ 23 कंप्यूटर से जा करके 36,000 में ये लैपटॉप खरीद दो उसके लिए, तो 36,000 उन्होंने दे दिया आपकी मम्मी को, या फिर आपकी मम्मी के पास 36,000 रुपये थे, वो गई और आपके साथ जा करके उन्हें पेमेंट करके आपके लिए लैपटॉप खरीद लिया। तो शी इज द बायर
एंड ये बायर को भी जब वो किसी रिटेल स्टोर में जाती है, कोई भी बायर जब वो रिटेल स्टोर में है, वहां पे भी डिसीजन बदलने का चांसेस है। वहां पे भी ऐसा हो सकता है कि वो जो आप प्लान करके आप गए हैं कि मुझे यही लेना है, हो सकता है कि रिटेलर आपको उस जगह भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, या वहां पे भी आपको कोई उससे ज्यादा सुंदर सस्ता टिकाऊ सामान मिल गया और हो सकता है कि आप अपना परचेज डिसीजन बदल दे। तो बायर एक्चुअली में कौन सामान खरीद रहा है, ये भी एक बाइंग रोल है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हु इज द यूजर, लैपटॉप खरीदा है किसके लिए, कौन उसको इस्तेमाल करेगा। द इंडिविजुअल हु कंज्यूम्स और यूजेस द सर्विस और द प्रोडक्ट, दैट इज द यूजर। तो एक पूरा रिटेल प्रोसेस में हमको इन पांचों तरह के लोगों के साथ डील करना पड़ता है, ऐसा जो इनिशिएट करे, ऐसा जो इन्फ्लुएंस करे, ऐसा जो डिसाइड करे, वैसा जो बाय करे और जो यूज करे, उनको पांचों लोगों के साथ डील करना है। और सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है डील करने के लिए, कैसे इसे कन्विंस करें, कैसे उसको इन्फ्लुएंसर बनाए, ऑल दीज थिंग्स। सो जब भी हम कोई रिटेल स्टोर चूज करते हैं तो वॉट आर द थिंग्स जो हमारे दिमाग में आता है, या क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं जिसको बेस करके हम कोई भी डिसीजन लेते हैं स्टोर चॉइस का। तो वो होता है, वो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जो कि केली एंड स्टेफनसन ने दिया था 1967 में, और उनके हिसाब से दीज आर द 8 क्राइटेरियाज जिसको बेस करके, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टोर हम जिसको कहते हैं, उसको बेस करके कोई भी बंदा डिसाइड करता है कि मुझे कौन से दुकान में जाना है, कौन से दुकान में नहीं जाना, कौन से रिटेल स्टोर को चूज करेंगे स्टोर चॉइस के ऊपर। तो पहला चीज होता है जनरल स्टोर कैरेक्टरिस्टिक। जनरल स्टोर कैरेक्टरिस्टिक्स में उस स्टोर का खुद का रेपुटेशन एंड उसके नंबर ऑफ स्टोर्स। अगर नंबर ऑफ स्टोर्स बहुत जगह है, मतलब वो दुकान काफी पॉपुलर है और रेपुटेशन उसकी काफी अच्छी है। उसी तरह से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टोर, मतलब उसका डेकोर कैसा है, क्लीनलीनेस कैसा है, चेकआउट सर्विसेज कैसी हैं, मतलब हमको वहां पे लाइन में लग करके बिलिंग करानी है या काउंटर के पास जाके पैसा फेंकना है या भैया मेरा भी पैसा लीजिए साइड से जाके ऐसे करना है, क्या करना है। तो फिजिकल स्टोर का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके हिसाब से हम स्टोर चूज करते हैं। कन्वीनियंस ऑफ रीचिंग द स्टोर, ज्यादातर ऐसा देखा गया है, और रिटेल की थ्योरी भी है, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी हम उसको कहते हैं, कि ऐसी जगह जहां पे हम बहुत आराम से पहुंच सकें और जहां पार्किंग की फैसिलिटीज हो, ज्यादातर लोग वहीं पर खरीदारी करना पसंद करते हैं या उसी स्टोर पर जाना पसंद करते हैं। द टाइम एंड पार्किंग प्लेस, ग्रेविटी, रिटेल ग्रेविटी थ्योरी कहती है कि जो ऐसी जगह जहां पे हम आराम से पहुंच चुके सके, जो हमारे मतलब प्राइमरी एरिया के अंदर में आता है, हमारे घर से 500 मीटर के डिस्टेंस में जितने भी दुकानें होती हैं, वहां पे पहुंचने का, वहां जाने का, उसको ऑप्शन में रखने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है। जैसे कोई बंदा अगर मान लो मेन रोड में रहता है तो वो ज्यादातर मेन रोड में शॉपिंग करता है, कोई डोरंडा में रहता है तो डोरंडा में जाके शॉपिंग करता है, और कोई अगर मान लो मेरी तरह अगर बूटी मोड़ में रहता है तो हम ये बूटी मोड़ में ही जाके फल खरीदते हैं, हम थोड़ी जाते हैं मेन रोड जाके फल खरीदने। कन्वीनियंस ऑफ रीचिंग है मेरे लिए, हम आराम से पहुंच सकते हैं, तो दैट इज द थिंग। उसके बाद आता है व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफर्ड, कितनी ज्यादा वैरायटी वहां पे अवेलेबल है और उसकी क्वालिटी कैसी रहती है, हम उसको लेकर के संतुष्ट तो रहेंगे, मतलब डिपेंडेबिलिटी कि हाँ वहां पे गए तो मुझे ये सामान मिल जाएगा। व्हाई वी गो टू अपर बाजार, बिकॉज वी नो कि ठीक है वहां जाएंगे तो वहां पे मिल जाएगा। तो वैरायटी एंड डिपेंडेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जहाँ पे अच्छे हो। प्राइसेस चार्ज बाय द स्टोर, अगर जो प्राइसेस चार्ज करता है वो स्टोर, वो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू प्रोवाइडेड, ऐसा नहीं कि सस्ता या महंगा, नहीं, जैसी वैल्यू वो प्रोवाइड कर रहा है उसके हिसाब से अगर वो प्राइस ले रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर हम वहां पे नहीं जाते। तो उस वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्या सेल्स रखा है वहां पे, मतलब सेल लगा के रखा है या नहीं रखा है, डिस्काउंट है या नहीं है, इन सबको भी हम ध्यान में रखते हैं। स्टोर पर्सनल, ये तो खासकर लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर जब वो कॉस्मेटिक खरीदने जाती है, ऐसा दुकानदार जो आपको मतलब आप सामान खरीद रहे हैं और तुरंत आके टपाक से आके बोलता है आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, तो जो ये बोल देता है ना, अगर हम मतलब नहीं भी पैसा हो तो कहीं से भी पैसा निकाल के सामान खरीद ही देते, ये लिपस्टिक तो आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, दैट इज द फ्रेंडलीनेस ऑफ द स्टोर पर्सनल। द कोर्टियस, हाउ कोर्टियस दैट स्टोर पर्सनल इज, मतलब कोई बंदा अगर आपको बहुत खातिरदारी कर रहा है, आइए मैडम बैठिए, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, ये आप खरीदिए, आप पे बहुत अच्छा लगेगा। जितना फ्रेंडली, हेल्पफुल और कोर्टियस रहता है स्टोर पर्सनल,
उस दुकान की बिक्री उतनी ही ज्यादा होती है और वहां पे लोगों का जाना आना भी ज्यादा होता है। हमको जब भी कुछ लेना है तो अगर उस दुकान में वो चीज मिलती है तो ऑब्वियसली हम उसी दुकान को चूज कर लेते हैं। तो स्टोर पर्सनल का बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जब भी हम डिसीजन लेते हैं स्टोर के बारे में। उसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग बाय द स्टोर। वो स्टोर कितना एडवर्टीजमेंट कर रही है, कितना इंफॉर्मेटिव बिलीवेबल एंड अपीलिंग एडवर्टीजमेंट है उसकी, मतलब हम उसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते, वो जो दावा कर रहा है वो सही है या नहीं, और वो एडवर्टीजमेंट का जो टेक्निक है वो कितना अपील जनरेट कर रही है, कितने ज्यादा हम उससे प्रभावित हो पाते हैं, तभी हम उस दुकान में जाते हैं, अदरवाइज नहीं जाते। एंड फ्रेंड्स परसेप्शन ऑफ द स्टोर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फ्रेंड्स परसेप्शन, दोस्त क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे लोग। तो जिस दुकान के बारे में लोग अच्छा कहते हैं, ज्यादातर रिटेल मार्केट में, रिटेलिंग में हम अक्सर उस दुकान को, वो दोस्त वाले दुकान को ही चूज करते हैं। वेल नोन लाइक और रिकमेंडेड स्टोर्स बाय द फ्रेंड हैव अ पॉजिटिव परसेप्शन ऑन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर। और स्टोर के चॉइस में फ्रेंड या वर्ड ऑफ माउथ जिसको हम कहते हैं, ये एक बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो जब आप कंज्यूमर बिहेवियर की बात करेंगे तो कंज्यूमर बिहेवियर में बिहेवियरिस्ट, या फिर जिन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर बुक्स लिखी या जिन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं, उनके हिसाब से देर आर टू अप्रोचेस। पहला होता है बिहेवियरिस्ट अप्रोच, दूसरा होता है कॉग्निटिविस्ट अप्रोच, सॉरी। ठीक है, बिहेवियरिस्ट अप्रोच में क्या होता है कि बिहेवियरिस्ट अप्रोच में माना जाता है कि अगर एक टाइप का कंडीशन हुआ तो सारे कंज्यूमर एक जैसा ही बिहेव करते हैं। मतलब कि अगर हमने सेल लगाया तो बिक्री ज्यादा होगी, अगर हम कुछ स्पेशल ऑफर देंगे तो ज्यादा बिक्री होगी, अगर हम अपने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑफर लेते हैं, कुछ जैसे अब गारमेंट का स्टोर है उसके बाहर में हमने मेहंदी लगाने वाले को रख दिया फ्री में कि आइए मेहंदी लगाइए, तो हमारे दुकान में ज्यादा लोग आएंगे। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि सारे कंज्यूमर्स एक जैसे होते हैं, ठीक है, और सारे कंज्यूमर्स एक तरह का, पीपल आर अलाइक एंड दे विल बिहेव रैशनली। दाम अगर आप बढ़ा देंगे तो कोई नहीं आएगा, दाम अगर घटा देंगे तो बहुत कोई आएगा। तो दिस इज अ रैशनल अप्रोच। तो बिहेवियरिस्ट अप्रोच में हम रैशनलिज्म के बारे में बात करते हैं और ऑब्जर्व्ड बिहेवियर के ऊपर बात करते हैं, मतलब ऐसे कंडीशन में लोग पहले कैसे बिहेव कर रहे थे, उसी के हिसाब से जैसा पहले कर रहे थे वैसा ही अभी भी करेंगे ऐसा मानते हैं, और उसी के जैसा हम सारी एक्टिविटी को रखते भी हैं। पीपल आर इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर। जो भी इंफॉर्मेशन अगर हम एक आदमी को बताएंगे तो हमेशा दूसरे आदमी को पास ऑन कर देगा, गॉसिप, आओ बहन चुगली करें, वैसे टाइप के लोग होते हैं। और लोग एक दूसरे से बात करके इंफॉर्मेशन को फैलाते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। एंड बिहेवियर किसी भी कंडीशन में बंदे का समझा जा सकता है एंड आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड दिस वॉज बिहेवियरिस्ट अप्रोच। लेकिन कॉग्निटिविस्ट अप्रोच क्या कहता है कि हर एक बंदे का दिमाग अलग अलग होता है, ईच पर्सन इज यूनिक, और बिहेवियर इरेशनल हो सकता है। मतलब एक टाइप का कंडीशन में ऐसा जरूरी नहीं है कि दो लोग एक टाइप का बिहेव करें। अगर आप दाम घटा देंगे तो अगर ये सोचते हैं कि सब कोई आपके दुकान में दौड़ा आएगा तो वहां पे ऐसा बंदा भी होगा सोचेगा अरे दाम क्यों कम कर रहा है, लगता है कि कुछ, लगता है ऐसे कुछ छोड़ के भागने वाला है या फिर कुछ खराब हो गया है, कुछ सामान खराब तो नहीं दे रहा। तो बिहेवियर इज नॉट प्रेडिक्टेबल, पीपल आर नॉट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटर, दे आर इंफॉर्मेशन जनरेटर। और अगर आजकल अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे तो पीपल आर बोथ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटर एज वेल एज जनरेटर। वो रिव्यूज, वो खुद ही सामान लाते हैं, खुद ही को देखते हैं और खुद ही उसके बारे में पूरा रिव्यूज भी लिखते हैं। वो कोई कंपनी के पेड बंदे नहीं होते। हमको खुद ही कोई प्रोडक्ट बहुत पसंद है, हम खुद ही मेकअप लगा के और लोगों को बता रहे हैं कि भैया ये वाला प्रोडक्ट लगाइए बहुत अच्छा है। कोई नया फोन आया उसका पूरा एकदम जांच पड़ताल करके हमने वीडियो बना लिया, वीडियो डाल दिया यूट्यूब पे। तो पीपल आर इंफॉर्मेशन जनरेटर एंड पीपल मस्ट बी स्टडीड एज अ होल एंड एवरी पर्सन इज यूनिक। ये मान करके हर एक बंदे का बिहेवियर हमें उसके हिसाब से, जो कंज्यूमर बिहेवियर अगर हमने पढ़ना है या फिर कंज्यूमर बिहेवियर की जांच पड़ताल कर रहे हैं
तो ये कॉग्निटिविस्ट अप्रोच कहता है कि आप कभी भी ह्यूमन का बिहेवियर समझ नहीं सकते. बिहेवियर कैन नेवर बी कंप्लीटली अंडरस्टूड एंड एवरी पर्सन इज डिफरेंट एंड कैन बिहेव इन अ डिफरेंट वे. इसलिए हर एक बंदे के हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट्स को बनाना चाहिए, जिसको कि हम कस्टमाइजेशन कहते हैं या नीश कहते हैं. और हर एक प्रोडक्ट को कस्टमर के डिमांड नीड्स को समझ के ही आपको देना है. तो दिस इज बिहेवियरिस्ट एंड कॉग्निटिविस्ट अप्रोच, जो कि जब भी हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं तो उसमें दो तरह के अप्रोचेस होते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट कंज्यूमर एंड रिटेलिंग. और अगर आपके पास कोई और सवाल है तो वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दिस.